सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू एसपी संजीव कुमार ने शुक्रवार को हरिहरगंज थाने का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने विधि व्यवस्था का जायजा भी लिया। एसपी ने कहा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आवश्यकता अनुसार हरिहरगंज इंटरसेट चेक पोस्ट के अलावे अन्य चेक पोस्टों की संख्या बढ़ाई जाएगी, साथ ही चेक पोस्टों पर सीसीटीवी भी लगाया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने छतरपुर डीएसपी शंभु कुमार सिंह तथा सीआरपीएफ की 134 बटालियन के सहायक कमांडेंट रूपेश कुमार के साथ चर्चा की। वहीं थाना अभिलेखों की जांच करते हुए पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी दीपक कुमार को लंबित कांडों का जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया। वहीं एसपी ने लोगों से दुर्गा पूजा सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार मनाने के साथ ही कोरोना की बढ़ती मामलों के मद्देनजर लोगों को सतर्क व सजग रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस बार कोविड-19 के मद्देनजर सादगी के साथ त्यौहार मनाया जाएगा, साथ ही शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शराब माफियाओं सहित सभी प्रकार के अपराध पर नियंत्रण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र भ्रमण कर इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। हरिहरगंज से प्रदीप मेहता की रिपोर्ट।